हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड की फर्स्ट ईयर की फाइल्स के बारे में। हमें डीएलएड के फर्स्ट ईयर में कितनी फाइल्स बनानी होती हैं, उनमें हमें क्या क्या करना होता है, ये सब चीज़ें उनके प्रैक्टिकल के बारे में कि हमारे प्रैक्टिकल कैसे होते हैं। सो डीएलएड के फर्स्ट ईयर में हमारे पास 9 सब्जेक्ट्स होते हैं और हमारे पास 9 सब्जेक्ट्स की फाइल होती हैं। हर सब्जेक्ट में जितनी भी यूनिट होती है उन यूनिट में से आपको टॉपिक कॉलेज वाले आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को उस फाइल में कवर अप करना है। हर सब्जेक्ट्स की फाइल में आपको वो टॉपिक लेने होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे पेपर 6 है पर्यावरण अध्ययन वाला, जो कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का है, तो उसमें हमारे पास है 5 यूनिट्स है। तो आपको 5 यूनिट्स ही उस फाइल में बनानी होंगी। उसमें आपको हर यूनिट में बता देंगे कि आपको कौन सी यूनिट में कौन सा टॉपिक लिखना है, तो आपको उस टॉपिक को उसमें कवर अप करना होगा। हमें वो डेकोरेटिव भी बनानी पड़ती है, उनको डेकोरेट भी करना पड़ता है। और आपकी जो फाइल्स रहेंगी वो आपको कॉलेज से मिलेंगी, आपकी कॉलेज की फाइल्स होती हैं। और जो 10th फाइल होती है वो एक्सटर्नल होती है, ये 9 फाइल्स जो होती हैं वो इंटरनल होती हैं। इनके प्रैक्टिकल इंटरनल होते हैं, कॉलेज वाले ही आपसे इनके प्रैक्टिकल लेते हैं। बाहर से ऑब्जर्वेशन के लिए टीचर्स आते हैं, वो ऑब्जर्वेशन के लिए बैठते हैं वो, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल जो है वो आपके कॉलेज के टीचर्स से ही ली जाती है, वही आपके प्रैक्टिकल को लेते हैं। मेरे पास 10th आता है फिज़िकल एजुकेशन। फिज़िकल एजुकेशन कंपलसरी होता है फाइल के लिए, तो हमें 10th फाइल फिज़िकल एजुकेशन की बनानी होती है और वो एक्सटर्नल होती है। उसका प्रैक्टिकल बाहर से डायरेक्ट से टीचर आते हैं, वो आपका प्रैक्टिकल लेते हैं। आपको उस फाइल को अच्छे से डेकोरेट भी करना होता है, बनाना भी होता है, और वही फाइल्स हमारी जो फाइल्स में टॉपिक होते हैं क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। एक हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स भी बनाना होता है, जो हमें प्रैक्टिकल के टाइम देना होता है। जब हम अपनी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं तभी हमें वो फर्स्ट एड बॉक्स भी देना होता है। हमें फर्स्ट एड बॉक्स का भी अच्छे से पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी दवाइयाँ रखी हैं, कौन सी दवाई किस यूज़ के लिए होती हैं, और हम फर्स्ट एड बॉक्स आखिरकार क्यों बनाया है, फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, किस लिए होता है, फर्स्ट एड होती क्या है। तो हमें उसके रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारी फाइल्स हैं, जो हमारे फाइल्स के अंदर टॉपिक कवर अप हमने किए हैं उन्हीं टॉपिक्स में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हमारे पास 11th फाइल आती है टीपी की फाइल जो होती है वो हमारी टीपी लगती है। स्कूल्स में टीपी लगाई जाती है, हमें मंथ के लिए भेजा जाता है एज अ टीचर। हम टीचर के रूप में बच्चों को पढ़ाते हैं, एक महीने के लिए हमें भेजा जाता है और एक हफ्ते के लिए हमें उस स्पेशल स्कूल में भी ले जाया जाता है, जहाँ पर स्पेशल बच्चों के हमें ऑब्जर्वेशन करनी होती है। हमें जितने भी दिन ले जाया जाता है हमें उस फाइल में हर दिन की हमारे जो एक्सपीरियंस रहा है उसको कवर अप करना होता है। डे 1 डे 2 डे 3 हमें हर दिन का एक्सपीरियंस कवर अप करना होता है। और उसके बाद हमें उस फाइल में वो सब कवर अप करना होता है जो हमारे स्कूल्स में हमने पढ़ाया है। हमने जो लेसन प्लान्स बनाए होते हैं हमें लेसन प्लान उसमें बताना होता है, उसमें हमें टाइम टेबल को लिखना होता है, उसमें हमें हर चीज़ को अटेंडेंस को भी कवर अप करना होता है, हमें उसमें ऑब्जर्वेशन भी लिखनी पड़ती है। हमें ऑब्जर्वेशन के लिए भी बोला जाता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो एक स्कूल में एक बच्चा ही नहीं जाता, तो टीपी के लिए कई बच्चे कलेक्टिव जाते हैं, तो मैं स्कूल में हम जिस स्कूल में टीपी के लिए गए हैं उस स्कूल में जो और बच्चे होते हैं हमें उनके ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोला जाता है। हम उनके ऑब्जर्वेशन करेंगे कि वो क्या पढ़ा रहे, कैसे उनकी क्लास है, वो शांत है या नहीं है। हम हर चीज़ को ऑब्जर्व करके उसमें नोट डाउन करते हैं। हमारे डेली के ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो हमें अपनी फाइल में लिखनी होती है, तो वो ऑब्जर्वेशन हमें करनी पड़ेंगी। हमें स्कूल का पूरा बताया जाता है कि हमें स्कूल का पूरा ऑब्जर्व करना है कि हम स्कूल में जैसे जाते हैं किस समय स्कूल स्टार्ट होता है, कैसे बच्चे आते हैं, यूनिफॉर्म होती है, क्या क्या स्कूल के इतिहास हमें लिखना होता है, स्कूल के बारे में, स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं, टीचर्स कौन कौन से हैं, कौन सी क्लास तक का है, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ हैं, हमें वो सब लिखना होता है। हमें सुबह की असेंबली के बारे में भी लिखना होता है कि सुबह की असेंबली होती है उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें बोली जाती है, जैसे प्रेयर होती है, योगा होती है, स्पीचेस बोलते हैं बच्चे, हर चीज़ को हमें उसमें लिखना होता है जो हम अपने स्कूल में जिसमें भी हम जाएंगे देखते हैं। उसके बाद हमें क्लास का लिखना होता है, जो हम लेसन प्लान बनाते हैं हमें वो लेसन प्लान कवर अप करने होते हैं, लेसन प्लान को हम कवर अप करेंगे। और हमें एक्टिविटीज़ भी बनानी होती है, हमें उस फाइल में हर सब्जेक्ट की एक्टिविटीज़ बनानी होगी। हमारे पास 25 एक्टिविटीज़ होती है बनाने के लिए हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे 5 मैथ की एक्टिविटीज़, 5 इंग्लिश की एक्टिविटीज़, ऐसे ही आपके पास 5-5 एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यही हमारी फाइल्स होती हैं, यही हमारा प्रोजेक्ट होता है।
जो टीपी की फ़ाइल होती है और फिज़िकल एजुकेशन की फ़ाइल होती है वो एक्सटर्नल होती हैं, उनके लिए डाइट से एग्जामिनर आता है, प्रैक्टिकल लेने के लिए आता है, लेकिन आपकी जो नॉन फाइलें होती हैं वो आपके कॉलेज वाले टीचर्स ही आपके उनसे उनके प्रैक्टिकल्स को लेते हैं। लेकिन आपके पास वहाँ पे ऑब्जर्वर ज़रूर बैठे होते हैं जो आपको और टीचर को हर चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे जब आपके उन 9 फाइल्स के प्रैक्टिकल लिए जाते हैं। तो यही था हमारा आज का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली, आपको इन्फॉर्मेशन मिली जो आपके लिए हेल्पफुल थी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।